तो यहाँ पे स्पॉट आउट हो गए थे पीछे से। ऑन द अदर साइड अगर हम जाएं तो फिर एक बहुत बड़ी फाइट की यहाँ पे शुरुआत होती हुई, गॉड लाइक वर्सेस द माइक्रोसोल। कुछ डैमेज यहाँ पे दी गई है जिसके चलते सिंप डाउन हो गए, जेली बहुत लो है, बट टीम माइक्रोसोल के खेमे में भी बहुत ज्यादा डैमेज। एक खिलाड़ी माइक्रोसोल से यहाँ पे नॉक डाउन, बट 2v3 का सिचुएशन जो कि एडमिनो के ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी डालेगी। बहुत बढ़िया ओपनिंग यहाँ पे निकालते हुए टीम गॉड लाइक आगे बढ़ते हुए आपको नजर आएंगे। जी गॉड उस टीबीएस के साथ बड़े स्पॉल का पोजीशनिंग किसी को पता नहीं था, उसी के चलते टीम माइक्रोसोल बहुत बड़ी कमबैक इस फाइट के अंदर। वंस अगेन थोड़ा सा ब्रीथिंग मिलेगा गॉड लाइक को, थोड़ा सा टाइम मिलेगा इस फाइट में कमबैक करने का, बट नेड्स के साथ और गोलियों के बरसात के साथ यहाँ पे गॉड लाइक के सपने भी बरस गए, और उसी के चलते अब बस एक खिलाड़ी मौजूद। ट्राई करा जा रहा है लेकिन फिलहाल के लिए ऐसा लग रहा है कि मानो वो जो रंबल्स का डिसएडवांटेज है वो शायद सिम को परेशान कर सकता है, लेकिन स्मोक के अंदर से जस्ट एक रैंडम फायर और एक शॉर्ट कनेक्शन बनता नजर आया है जोकर के ऊपर। पावर अपने उस S12K के साथ, उनको पता है सिम को डाउन अगर करने की कोशिश की जाए तो यहां पर हो सकता है लेकिन ऑलमोस्ट एक क्लच होते होते रह जाएगा, लेकिन रॉनी के लिए एक बार ओपी हो जाना चाहिए। बट अगर हम थोड़ा सा पर्सपेक्टिव स्विच करें तो फिर मैप के बिल्कुल बीचों बीच TSW जो अभी भी मौजूद है, मैं उनके लिए थोड़ा सा सोचना चाहता हूं कि वो कैसे हैंडल करेंगे इस प्रेशर को। TSW के पास वो नंबर्स नहीं बचा हुआ, तो या तो माइक्रोसोल या तो अलीबाबा रेडर्स की तरफ अभी के लिए मुझे अंदाजा लग रहा है, और इनसे उनको लगा था कि पत्थर के पीछे अपने आप को हाइड करके कोई स्पॉट नहीं करेगा। एक बहुत बढ़िया रन ओवर, बट अलीबाबा रेडर्स को इसके बाद कमबैक करना पड़ेगा। बहुत कोशिश की गई थी जरूर, वहां पे दूर दरार एक खिलाड़ी उनके नॉकडाउन हो गए थे, पर हाइट एडवांटेज का यूज करके अगर एक ओपनिंग निकाल जाते तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी विक्ट्री होगी इनके लिए। यह तो जरूर सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि माइक्रोसोल का एक बार वो पर्सपेक्टिव दिख जाएगा तो पता चल जाएगा। जी हाँ, अगर माइक्रोसोल के अगेंस्ट पे आपको ये बैटल निकालने की तब तो भी नंबर्स का एडवांटेज आपको बरकरार, और देखिए ना केवल उनके पास नंबर्स है उनके पास वो हाइट भी है यहाँ से, लेकिन एस पावर यहाँ पर बचना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है क्योंकि ग्रेट जाएगा तो डैमेज अच्छा खासा उनको पड़ सकता है। लेकिन जी नहीं, डिसीजन के साथ वो ग्रेट फेंका नहीं गया था, लेकिन क्या चल रहा है कतर अब इतना ओपन में आ चुके थे, इसका फायदा निकालते नजर आए। एस पावर क्विकनेस एक अलग ही स्तर पर देखने को मिलती नजर, लेकिन यहाँ पर आएगी उनका भी समापन और टीम माइक्रोसोल विदाउट कैजुअलिटी इस पर्टिकुलर फाइट में 2v3 को निकालते नजर आए। लॉस लीनस के बिल्कुल एज का इलाका पकड़ लिया है, हार्ड कवर का एडवांटेज भी है और सर्कल का एज भी इन लोगों ने पकड़ लिया है, तो ज्यादा मुश्किल हाथ का सामना नहीं करना पड़ेगा। थंडर को यहाँ पे स्पॉट कर लिया है इस पावर ने टैप शॉट्स की तरफ से, जिसके चलते थंडर को ऑलमोस्ट नॉकआउट कर देंगे, बट 5 HP के साथ यहाँ पे 4 किंग के थंडर बच निकलेंगे, बट फाइनली यहाँ पे गॉड लाइक कैपलेस करते हुए क्या इस रोप वे का वो इस्तेमाल करता नजर आएगा कि नहीं, तो यहाँ पे एक्साइटेड लेकिन जरूरत नहीं है, पढ़नी तो नहीं चाहिए अभी के लिए। ये फिलहाल तो गॉडलाइक और टीम माइक्रोसोल का फिर से एक भिड़ंत होता हुआ आपको नजर आएगा। एडमिनो यहाँ पे पूरा का पूरा खत्म हो चुके हैं, जेली यहाँ पे नॉकडाउन है, बट सिंप अभी भी कोशिश कर रहे हैं, HP बहुत ज्यादा था। ज़ीगॉड अभी फाइनली अपने आप को हील करेंगे, बट एक 2v2 का यहाँ पे मुकाबला, मानिया पुशअप करने की कोशिश, एस पावर का बहुत बढ़िया फ्लैंक और उसी के साथ सिंप को डाउन करेंगे। ज़ीगॉड कोशिश जरूर की जा रही थी कि यहाँ पे रोक पाए उनको, बट ज़ीगॉड की फिर से बात करें तो फिर स्मोक्स यहाँ पे ले डाउन करेंगे, कोशिश तो कर रहे कि कोई थर्ड पार्टी एंगल ना क्रिएट हो जाए और पूरा का पूरा जो फोकस है पूरा माइक्रोसोल के ऊपर बना जाए, बट एस पावर छोटा सा एंगल निकालेंगे, सिर निकाल के वो स्प्रे करेंगे और एक खिलाड़ी को डाउन कर देंगे। जेली को यहाँ पे पूरा का पूरा कंफर्मेशन आ जाएगा और टीम माइक्रोसोल फिर से ये गेम छीनते हुए आपको नजर आएगी, बोथ टीम एक्सपार्क और गॉडलाइक से। ट्राई जरूर कर रहे हैं लेकिन फंसते नजर आ रहे हैं थोड़े बहुत जो खिलाड़ी है ना, बट यहाँ पर पिछले शैडो को क्या स्पॉट करा है कि नहीं, मानिया HP बहुत ड्रेन आउट कर दिया आपने, अब वापस एक IGL वर्सेस IGL की बैटल जिसमें शैडो कालेंगे नॉकआउट, लेकिन सही वक्त रहते हम कह सकते हैं जोकर का वापस साथ मिलता नजर आ, लेकिन अब आखिरी बैटल जो थी यहाँ पर वो भी यहाँ पर धरी की धरी रह जाए क्योंकि माइक्रोसोल आज के दिन का ये एक हॉट चिकन डिनर।